मेरा नाम साजन तामंग। आप कौन सी पार्टी से? मैं GGM2। ये GGM2 का कैंप ऑफिस है जी। तो हम ये देख रहे हैं कि कैलिंगपोंग में जितने भी GGM2 के कैंप ऑफिस हैं वहाँ से मास्क दिया जा रहा है, ये क्यों? ये अभी जो कोरोना अभी जिस तरह से पाँव पसर रहा है मतलब देश विदेश में, तो हमारा भी ये है कि मतलब जो हम कैलिंगपोंग में जो भी वोटर्स हैं उनको हम GGM2 का जहाँ भी कैंप लगा हुआ है वहाँ से हम मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं वोटर्स को, क्योंकि अभी कोरोना का जो मतलब ये वायरस का जो प्रकोप से हम लोग का आदमी बचे, इसीलिए हम मास्क जहाँ भी हम लोग का कैंप है वहाँ दे रहे हैं हम। ये जो मास्क देने का जो डिसीजन है ये क्या बिना तमाम अनिता पास आए या आप लोग? ये हम खुद ने किया है, हम अपना है। कैलिंगपोंग में सभी जगह GGM2 मास्क दे रहा है। जी हाँ सर जी। ये नंबर था सर। मेरा नाम शेखर मैकडोनल्ड, मैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय और अनित थापा GGM2 का है। तो ये कैंप है आपका? जी। तो हम लोग यहाँ देखे जो मास्क और सही मास्क आप लोग यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, और जो जा रहा है ऐसे अगर कोई मुंह पे मास्क नहीं है तो दे रहे हैं आप, क्या वजह है इनका? ये वजह ये है कि अभी जो COVID-19 का जो सिचुएशन है अभी सारे देश में जगह पर ये बहुत मारामारी हो रहा है, इसलिए हमारा ये वोट डालने के कोई भी पब्लिक के लिए सुविधा के लिए उनकी सुरक्षा के लिए ये सब हम लोग ने प्रोवाइड किया है। JGM2 का अनित थापा और विनय थापा ऊपर से ही आदेश है हम लोग को कि ये टेबल पर हर टेबल पर रखकर कम से कम पब्लिक का सुरक्षित के लिए रखने के लिए हम लोग का आदेश है। ममता बनर्जी की सरकार 10 सालों से है यहाँ पे जी। आप उनकी सरकार के शासनकाल को किस तरीके से देखते हैं? अभी तक तो हम लोग के लिए अच्छा ही है ना। वो उसी ग्रुप में हम लोग का लीडर जो अनित थापा है, विनय तामंग जी है, वो लोग हम लोग को अच्छा ही करते हैं, और हम लोग के लिए तो गाँव में डेवलप कर रहा है, वही हम लोग चाहते हैं ना महिलाओं के लिए तो कुछ हो जाए। आपको लगता है ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए काम किया है पश्चिम बंगाल में? ऐसा तो लग रहा है हम लोग को जी, हम लोग को तो लग रहा है, इसीलिए हम लोग ये बस है ना।